साथियों, पश्चिम बंगाल तभी प्रगति कर सकता है जब विकास प्रक्रिया में सभी साझेदार एक साथ आ सके। लेकिन दलित दीदी ने बंगाल के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, वनवासियों को कभी अपना साझेदार माना ही नहीं। बीते 10 सालों में कट, कमीशन और तोलाबाजी कल्चर का सबसे बड़ा नुकसान बंगाल के गरीब, बंगाल के दलित, बंगाल के वंचित, बंगाल के आदिवासी को ही हुआ है। यहां जो लाखों गरीबों को पक्के घर मिल रहे हैं, उसमें भी टीएमसी के तोलाबाज हर कदम पर अड़ंगा लगाते हैं। केंद्र से गरीब के लिए सस्ता चावल भेजा जाता है, उसको भी टीएमसी के तोलाबाज नहीं छोड़ते। बीते साल कोरोना के समय जब महीनों तक मुफ्त चावल और दाल का प्रबंध किया गया, तो दीदी के तोलाबाजों ने उसमें भी घोटाला कर दिया। साथियों, आप याद करिए, जब अम्फान साइक्लोन आया और बंगाल की जनता राज्य सरकार की ओर उम्मीद लगाए देख रही थी, तो दीदी ने क्या किया था? अगर सहायता राशि चाहिए तो एक हिस्सा पार्टी ऑफिस में जमा करवाइए, अगर नुकसान न भी हुआ हो तो भी आपको सहायता राशि मिल सकती है, बल्कि एक ही शर्त है, पहले पार्टी ऑफिस में पैसे जमा करके आ जाइए। जरा सोचिए, ऐसी आपदा में भी टीएमसी की कटमनी चलती रही।